जिंदगी में चुनौतियों से नहीं चूतियों से परेशान है शुक्ला जो घेरे हुए ना हमें। वेलकम 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 एवरीबॉडी, टुडे आई माय सेल्फ आवर सेल्फ, आज हम आपको सिखाएंगे इटालियन पास्ता बनाना। इटली जो देश है दोस्तों, बड़ा प्रेम है मुझे उस देश से। मैं बहुत सारा सीरीज में देखा हूँ इटली कैसा दिखता है, वहाँ के लोग कैसे बढ़िया। तो आज हम बनाएंगे इटालियन पास्ता। इटालियन पास्ता की खास बात यह है कि खाने में बड़ा मज़ा आता है उसको। उसको प्लेट में परोसा जा सकता है, कांटा चम्मच से खा सकते हैं। बहुत तगड़ा पास्ता रहता है, एकदम गुलाब जामुन जैसा लगता है। ठीक है, तो आइए सिखाते हैं आपको कैसे बनाया जाएगा इटालियन पास्ता। दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत आ गया है, इटालियन पास्ता नहीं बन पाएगा, कहें कि घर में पास्ता नहीं है, तो हम लोग उसके जगह बनाएंगे बूस्ट। तो दोस्तों बूस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बूस्ट। ये देखिए, ये है बूस्ट, यही को पी के विराट कोहली बहुत लंबा लंबा छक्का चौका मारता है। ये हमारी EMI वॉच है, इसको हम बहुत 2500 रुपये में ख़रीदे हैं, है ना, अमीर आदमी हम। और ये देखिए, सुबह से हम 706 कदम चल चुके हैं। तो वैसे तो दूध सब पीते हैं, है ना, बूस्ट भी सब पीते हैं, लेकिन हम लोग बनाएंगे कूल बूस्ट। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमको बर्फ़ जमाना पड़ेगा। तो बर्फ़ जमाने के लिए रख दिए हैं, 10 मिनट हुआ है, आइए चेक करते हैं कि हमारा बर्फ़ कैसे बना दोस्त। ये देखिए दोस्तों, बर्फ़ जो है बन के एकदम, है ना, थोड़ा देर इसको और अभी रखना है। दोस्तों कूल बूस्ट तो सब पीते हैं, लेकिन हम पियेंगे नॉर्मल बूस्ट, है ना, क्योंकि जल्दी पीना है हमको। ये रहा हमारा दूध, है ना, और ये मेरी MI बैंड 5 वॉच 2500 रुपये के सूप में ख़रीदा हूँ दोस्तों। आज 19/11 हो रहा है। इसको बनाने के लिए हम लोग ले लेंगे एक लोटा, इस लोटा में बनेगा बूस्ट, है ना। तो वो थोड़ा इसमें दूध डालेंगे, लेकिन फूक के डालना होता है, थोड़ा सा साढ़ी इसमें गिर जाता है। साढ़ी समझते हो, नहीं समझते हो तो पढ़ाई लिखाई करो सालों। बूस्ट से हमको एक जोक याद आता है दोस्तों, कि एक बार जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गांधी जी आपकी शक्ति का क्या राज है, तो गांधी जी ने कहा बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। ये जो फनी होता अगर आप लोगों को कोई बड़ा यूट्यूबर जैसे प्राजक्ता कोहली वगैरह सुनाती। हमारा 304 सब्सक्राइबर में कहाँ ही हंसेंगे आप लोग, है ना, जज करिएगा कि साला कहाँ गंदा जोक सुना रहा है। थोड़ा सा दोस्तों, थोड़ा सा क्या है, डाइट कॉन्शियस भी हूँ मैं, है ना, इसीलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा शक्कर डाल लेते हैं। आप लोग सब सोच रहे होंगे कि कैप्टन भाई बूस्ट तो सब बनाते हैं, इसमें अलग क्या है। ये मंच, है ना, और ये MI की वॉच दोस्तों, ये मैंने देखे 3:13 हो रहा है इसमें, तो बढ़िया स्वच्छ भारत अभियान चलाते हुए मंच को हम लोग इसमें अच्छे से डाल देंगे, थोड़ा फोड़ के डालेंगे ताकि अच्छा लगे। ये देखिए इसको जो है, इसका आवाज़ आएगा, यहाँ पे हम गाना डाल देंगे आप लोग के लिए। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। तो तैयार हो गया है, बनने के बाद है ना इसको जरूर धोएं, नहीं मम्मी लतियाएगी। तो अभी हम लोग इसको करेंगे सर्व सीधा अपने मुंह पे, क्योंकि टेस्ट तो वही आएगा चाहे गिलास में पिए चाहे लोटा में, है ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया।